आज हम बनाने वाले हैं स्पेनिश सैंडविच देख सकते हो इसके लिए क्या क्या चाहिए हमको ब्राउन ब्रेड चाहिए कॉर्न चाहिए गैनो बटर एंड ये पास्ता की सॉस ली है मैंने दो म्योनीज वाली एंड चीज़ वाली तंदूरी वाली और नॉर्मल तो ये सब हमको चाहिए इसके अंदर सबसे पहले तो हम पैन में थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे देख सकते हो जिस तरीके से बटर पूरे तवे पे फैलाया जा रहा है वैसे ही आपको पूरे तवे पे फैलाना है ताकि अच्छे से सारी जगह पे ब्रेड पे लगे फिर दूसरी साइड पे भी उसको अच्छे से लगाना है ब्रेड को मतलब बटर को ब्रेड से एंड दोनों साइड से अच्छे से थोड़ा थोड़ा पका लेना है धीमी आँच पर बनाना है इसको ताकि ब्रेड जल जाएगी वरना हमको जलानी नहीं है हमको कड़क बनानी है तो इस तरीके से हम बटर लगा लेंगे आगे पीछे सब जगह बटर ऐड कर देंगे जितना चाहे आप उतना बटर लगा सकते हैं आपके टेस्ट के अनुसार आपको किस तरीके का पसंद है उस हिसाब से मुझे मीडियम पसंद है मैं बहुत ज़्यादा बटर भी नहीं खाती और बहुत कम भी नहीं खाती तो जिस तरीके से मैं सीख रही हूँ मतलब मम्मा सेख रही है उस तरीके से आपको सेक लेना है देख सकते हो आप ऐसे जब ब्राउन हो जाए ब्रेड जब इस तरीके की ब्राउन ब्रेड हो जाए उसके बाद हम ये तंदूरी सॉस ऐड करने वाले हैं ये कहीं पर भी आपको मिल जाएगी डी पे स्टार बाज़ार या कहीं पर भी मिल जाती है ऑनलाइन भी मिल जाती है आजकल तो आप कहीं से भी ले सकते हैं और देख सकते हो इसके बाद हम दूसरी सॉस ऐड करेंगे मतलब चीज़ सॉस वो भी बहुत वो ये दोनों चीज़ें लगाने से ना ब्रेड में एक अलग ही फ्लेवर आता है तो हम दोनों सॉस अच्छे से लगा के उसको पूरी ब्रेड पे हमें स्प्रेड करना है अच्छे से आप चाकू की मदद से कर सकते हैं या तो फिर आप चम्मच की मदद से कर सकते हैं आप दोनों में से किसी में किसी से भी आप कर सकते हैं स्प्रेड अच्छे से तो देख सकते हो इस तरीके से अप्लाई करने के बाद मम्मी पूरी ब्रेड पे स्प्रेड कर रही है पूरी ब्रेड पे अच्छे से स्प्रेड करने के बाद आपको बाकी जो हमें ऐड करना है वो हम इसके बाद करेंगे तो इस तरीके से मिक्स कर लेना है जैसे नमक मिल जाता है पानी में हम इसको मिला देंगे ब्रेड में तो देख सकते हो इस तरीके से मम्मी कर रही है आपको भी सेम इसी तरीके से करना अगर मेरी वजह से आपके मुंह में पानी आ रहा हो तो प्लीज़ इसी तरीके से आप लोग भी अपने घर में बना लीजिए ताकि आप मुझे ब्लेम ना दें कि मेरी वजह से पानी आया फिर देख सकते हो ये थोड़ा सा पालक का पेस्ट मैंने इसमें लगाया है ये मैंने पालक कट करके बॉयल कर लिया था उसके बाद इसको पीस लिया था उसके बाद ये पेस्ट बनाया है देख सकते हो इस तरीके से आप पेस्ट बना सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी एडिशन है देख सकते हो काफ़ी हेल्दी और काफ़ी टेस्टी काफ़ी टेस्टी बनता है आप लोग भी एक बार ट्राई ज़रूर करना आपको भी बहुत पसंद आने वाला है अगर आपको ग्रीन वेजिटेबल्स अच्छी लगती है तो आप सबको पता है कि ग्रीन वेजिटेबल्स हेल्थ के लिए बहुत अच्छी रहती है तो मैं तो ऐसे हेल्दी ब्रेकफास्ट और ये सब मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ एंड खाना भी चाहिए ऑफकोर्स आपकी हेल्थ तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है मेरे लिए आपके लिए ममा के लिए फ़ैमिली के, के लिए सबके लिए बहुत ज़रूरी है इस तरीके से आपको पूरा स्प्रेड कर लेना है जैसे मम्मा कर रही है उसके ऊपर कॉर्न ऐड करने हैं जिस तरीके से ऐड किए जा रहे हैं अच्छे से जितना ज़्यादा क्वांटिटी आप ऐड करना चाहें उतनी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं देख सकते हो इस तरीके से पूरी ब्रेड पे फैला लेना है एंड इसके बाद इसको करछी से दबाना है सो so, इस तरीके से आपको पूरा प्रोसेस करना है आप इसको चटनी के साथ सॉस के साथ भी खा सकते हो देख सकते हो अभी पूरा लगा दिया है मम्मी ने अब इसमें मम्मी डालेगी औरगेनो ऑरिगेनो से फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाता है आप लोग भी एक बार ऐड करके देखना आपको भी बहुत अच्छा लगेगा या इसके अलावा आप चाट मसाला भी ऐड कर सकते हो अगर आप चाहो तो और इस तरीके से कड़छी से पूरा अच्छे से ब्रेड को दबा देना है ताकि ये जो कॉर्न है वो अच्छे से ब्रेड में मिक्स हो जाए और हम उठाएँ तो ये गिरे ना क्योंकि हम ऊपर ऊपर छोड़ देंगे और प्लेट में पलटेंगे तो फिर कोर्स ये कॉर्न गिर जाएंगे इस तरीके से हमारा सैंडविच बन के तैयार हो गया नीचे से भी अच्छे से पक चुका है देख सकते हो एकदम क्रिस्पी यमी और हेल्दी एंड डिलीशियस बना है अब हम इसको प्लेट में परोस कर खा लेंगे अच्छा आप लोग बताइए आपको चटनी पसंद है या टोमेटो सॉस पसंद है मेरे को तो चटनी ज़्यादा पसंद है टोमेटो सॉस मुझे कम पसंद है अब हमारा सैंडविच बन के हो चुका है रेडी एंड टोस्ट बन के हो चुका है रेडी इसको टोस्ट कहेंगे अभी मैं टोमेटो सॉस के साथ खा रही हूँ इसका स्माइली कितना गंदा बनाया ना मैंने बट ठीक है ऐसा ही समझ लो अब मम्मी इसको टेस्ट करने के लिए जा रही है क्योंकि मम्मी को तो टोमेटो सॉस के साथ पसंद है और मुझे चटनी के साथ पसंद है तो ये तो बहुत ही यमी बना है अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे और वीडियोज के लिए बाय बाय